हमारे भारत में अनेक प्रकार के संस्कृति एवं परंपरा है। लोग हर एक त्यौहार को विभिन्न प्रकार से मनाते हैं। वैसे ही आज हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कुरुद ब्लॉक के ग्राम सेमरा सी, जहां दिवाली सहित तीन और अन्य त्यौहार एक हफ्ते पहले मनाने का नियम है। उसी रहस्य की खोज कर फूल के समान यादों को धागे के समान एल्बम में पिरोने निकल पड़े मैं और मेरा दोस्त। हे गाइस, दिस इज तमन कसरिया एंड यू आर वाचिंग यादगार एल्बम। तो दोस्तों, हम लोग आज जा रहे हैं, आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त निक्कू भाई, और अभी हम लोग इनके इसके दुकान में थे, तो अभी अंकल गए हैं मार्केट, तो वहाँ से आएंगे, फिर हम लोग तुरंत रवाना हो जाएंगे। और अभी बज गए हैं 4:30, तो पता नहीं अब अंकल आएंगे और तुरंत हम लोग भागेंगे, क्योंकि निक्कू यस बिल्कुल, वी आर वेरी एक्साइटेड। तो आज आपको दिखाते हैं कि मतलब कैसे वहाँ मनाया जाता है, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ का दिवाली एक हफ्ता। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं सेमरा सी, जहाँ पर गोवर्धन पुजाने वाले हैं, और आज गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग आए हुए हैं आपको आप लोग को दिखाने। तो देखिए, ऐसे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत लोग हो रहे हैं। पहुँच कर हमने देखा कि बच्चे पटाखे जलाने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर यादव भाई लोग पूरे पोशाक एवं बाजे के साथ ग्रामवासियों को एकत्रित करने हुए में जुटे हुए थे। फिर कुछ देर बाद हमने वहां के लोगों से वहां के नियमों के बारे में जानने की कोशिश की। आइए दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ ऐसा नियम क्यों है। दीपावली का त्यौहार ही पहले होता है कि सब त्यौहार पहले होता है? सबसे पहले यानी कि मुख्य त्यौहार जो है ना, चार त्यौहार होता है, हरियाली, पोला, दिवाली और होली। होली जी, ये चारों त्यौहार जो है ना सबसे पहले होता है, सप्ताह भर पहले। सप्ताह भर पहले जी। अच्छा, तो इसकी वजह क्या है? ये है कि कहते हैं कि अपना ये श्रीमान जी है ना, सिरदार देव जो है कि पहले जो यानी कि आज समय में कहना चाहिए, पहले पूर्वज समय में कि यहाँ पर वो जो राजवाड़ा होता था, यहाँ जंगल होता था, तो ये जो सिरदार देव जो है एक राजा के रूप में प्रख्यात था। अच्छा। हाँ, जिस तरह से अब पूर्वज जो है राजा को भगवान मानते थे, ठीक वैसा ही ना ये भगवान स्वरूप था। और शिकार वश जंगल के समय में यहाँ उसका अंतिम समय हो गया, तो उस समय से यहाँ निवासरत हो गया। और अपना जैसा कहते हैं अपनी पुरातन मान्यता के हिसाब से कि स्वप्न देते हैं देव लोग जो है, ठीक वैसे ही देव स्वरूप जो है सिरदार देव, उन्होंने स्वप्न दिया कि ग्रामीणों आप लोग यहाँ त्यौहार इस टाइप को मनाओ पहले सप्ताह पहले, तो मैं आप लोगों की इस गाँव की दृष्टि से या आप जनता की दृष्टि से आप लोगों को मैं सुरक्षित प्रदान करूंगा, है ना। ठीक वैसे ही उन्होंने अपने गांव के पूर्वजों को सुरक्षा प्रदान किया, और उसके हिसाब से पूर्वजों ने उनको मान्यता दी, देव स्वरूप माना और उनका पूजा अर्चना किया, स्थापित किया, और आज उसी परंपरा से न जाने कितने वर्षों के लिए। हाँ ठीक। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोग त्यौहार मनाएंगे 14 तारीख को, बाहर जाएंगे त्यौहार मनाने की, उसी यहीं रहेंगे, क्या करते हैं उस दिन त्यौहार? हाँ जी, उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जैसे आप लोग आने की पूरा इंडिया त्यौहार मनाएगा ना अपना भारतवर्ष दीपावली का, तो उस दिन हम लोग आपकी तरह जैसे आज हम कर रहे हैं वैसे हम करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ खुशियाँ मनाने हम भी जाएंगे। अच्छा, मतलब मेहमान बन के आप दूसरे अपने सगे संबंधी के? आज हम आपको आमंत्रित किए हैं, कल हम आपको आपके यहाँ आमंत्रण में जाएंगे। बिल्कुल ऐसा जी। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना काल में और पहले में क्या मतलब अंतर है थोड़ा सा? ये है, कोरोना काल में अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है
कि बाहर से यदि मेहमान आता है प्रतिबंधित किया जाए, फिर भी पुरातन मान्यता के अनुसार हम पूछे या न पूछे, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि इतने मेहमान आते ही आते हैं, पूछे या न पूछे। उनके साथ भी हम लोग इंटरव्यू ले चुके हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मोहन सिन्हा सेमरासी। तो ये सर से हम लोग इंटरव्यू मतलब ले लिए हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। अब हर कुमार साहब हमेशा मैं छोटा छोटा बच्चा को खिलाता हूँ और मैं शराब पीता हूँ हर त्यौहार। शराब पीते हो त्यौहार में? हर त्यौहार को। तो शराब तो हानिकारक है? हानिकारक है, लेकिन ना मेरे लिए लाभकारक। फिर हमने पूछताछ के बाद निकल पड़े सिरदर्दियों राजा के मंदिर, जिसे गांव वालों ने बहुत ही सुंदर लाइटों से सजाया हुआ था। दोस्तों ये है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसके नाम से इन्हीं के कारण मतलब यहाँ एक हफ्ता पहले मना लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त सुंदर आकृति है और नीचे में रख दिया गया है गोबर, और यहीं पास गोवर्धन बुनाएंगे गाय के द्वारा। और देखिए कि मतलब बढ़िया लाइट वाइट लगा दिए हैं गांव वाले लोग, और यहां पास पटाखा का भी दुकान बैठा है ताकि बच्चे पटाखा फोड़ सकें। तो यहां पास देखो कितना मस्त पटाखा वटाखा रखा गया है ताकि सब पटाखा ले लेके फोड़ें और आनंद उठाएँ दिवाली का। और दोस्तों रात ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने गोवर्धन पूजा का वीडियो क्लिप नहीं ले पाए और निकल गए अपने घर की ओर। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एवं मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं एवं अपना सुझाव लिखें।